पिछले कुछ दिन पहले बारिश के कारण बिंदापुर वार्ड के डीडीए फ्लैट की कुछ ब्लॉक की गलियों में पानी जमा हो गया था। फिर वो पानी लोगों के घरों के अंदर घुसने लगा, जिसके कारण पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। पानी जमा होने की वजह क्या बारिश थी? जवाब है नहीं, क्योंकि जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कुछ जगहों पर सीवर भर जाने के कारण आपस में सटे कुछ अलग अलग क्षेत्रों के सीवरों से पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिसके कारण बिंदापुर डीडीए फ्लैट में पानी जमा हो गया। इसको लेकर हमने क्षेत्रीय निगम पार्षद राजीव अहलावत से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले तो अपने बिंदापुर वार्ड के निवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो जल भरवाव की स्थिति पैदा हुई, मैं लगातार अपनी जो कोशिशें थी, जो 4 साल से निरंतर हम करते आ रहे थे, उन पर हम खड़े हुए थे। जैसे जनरेटर लगाना, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती, जैसे ही पानी भरता है तो लाइट चली जाती है, तो हमने जनरेटर ऑलरेडी फिक्स कर रखा था, भरपूर मात्रा में उसमें पानी डीजल हमने मुहैया करवा रखा था। लेकिन जिस हिसाब से 16 घंटे लगातार बारिश हुई, ठीक है बारिश ज़्यादा थी लेकिन पानी ज़्यादातर निकल जाता था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जितना हमारी पंपिंग होती है उसके साथ साथ उतना ही पानी दिल्ली सरकार के सीवरों से ये निकल करके आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, जितनी भी पंपिंग होती है सारा का सारा पानी इधर से, ये देखिए कितना किस लेवल पर निकल रहा है। तो ये मेन कारण रहा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार इसके लिए नाकाम रही। PWD के नाले, DSIDC के नाले, फ्लड कंट्रोल के नालियाँ, सब की सब यहाँ हमारे डीडीए सबफेल के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सा लो लाइन एरिया है, ठीक है यहाँ पानी आ जाता है, लेकिन इसकी हमने सफाई निरंतर जारी रखी डीडीए के अधिकारियों से मिलकर के, और आखिर में SDMC ने ही इस पानी का समाधान किया, इस पानी को निकाला। दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही, उन्होंने कुछ मैकेनिज्म नहीं भेजा, ना कोई उनकी गाड़ी प्रोवाइड हुई यहाँ पे। हमारी निरंतर 36 घंटे तक मेरे SDMC के कर्मचारी, साथ में स्थानीय नागरिक, बहुत सहयोग उन लोगों का मिला कि हम इसको, जो बहुत ही एक स्थिति पैदा हो गई थी, विकट स्थिति, उसको हम, उससे हम निकल पाए। कहीं उनकी कोई सीवरेज सफाई का, जो इन्होंने कल अधिकारी आए थे जल बोर्ड के, हमने और स्थानीय नागरिकों ने उनसे पूछे कि साल में कितनी बार आपके सीवरों की सफाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि 2 बार। तो हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे 1 बार भी सीवरेज की सफाई नहीं हुई, सीवरेज टोटली चौक थे, लोगों के घरों के अंदर से, टॉयलेट के अंदर से पानी निकल रहा था। राजीव अहलावत ने आगे बताया कि सीवर को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और उनके विधायकों की होती है, पर वो पूरी तरह से विफल रहे। राजीव ने क्षेत्र की जनता के लिए देखिए क्या कुछ कहा। जो स्थिति है अब, जैसे केदारनाथ के अंदर बादल फटा, बाढ़ आई, या कोरोना महामारी, किसी को पता नहीं होता, इसी तरह ये आपदा की घड़ी थी। मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ हूँ, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से उनका सहयोग करूँगा।